अस्सलाम वालेकुम, आज है मेरी 9th बर्थडे। मैं हूँ बहुत एक्साइटेड, मेरे कजन आने वाले हैं, मेरी फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत माशाल्लाह से खुश, क्योंकि आज है मेरे बेटी की 9th बर्थडे पार्टी, जिसके लिए हमने सब कुछ ऑर्गेनाइज किया है, खाना, डेकोरेशन, और हिबा के भी कजन्स एंड फ्रेंड्स आने वाले हैं। हिबा माशाल्लाह शी इज लुकिंग सो अडोरेबल, और आज हम दोनों ने की है ट्विनिंग। माशाल्लाह से आज का व्लॉग जो होना है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कंप्लीट इसका मेन्यू, और साथ में बर्थडे केक, और हमने कैसे की प्रिपरेशन और सारी प्री प्लानिंग, सब कुछ इन वन वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड एंड इट गोना बी सो इंटरेस्टिंग फॉर यू। मैं करने लगी हूँ गोलगप्पों की पूरियों को फ्राई। मैंने गोलगप्पों की पूरियों को 2 दिन पहले ही फ्राई कर लिया था, ताकि इसको जिप लॉक में डाल के आप मंथली भी सेव कर सकते हैं, तो इसलिए इसको टाइमली मैंने फ्राई करके पहले ही से निकाल लिया। और ये बहुत ही अच्छे गोलगप्पे हैं, अच्छी पूरियाँ इसकी बनती हैं, खस्ता बिल्कुल मार्केट जैसी, और ये मेरा पैकेट जो है बेस्ट है। तो मैंने इस तरह से गोलगप्पों को फ्राई करके उसके बाद इसको जिप लॉक में डाल के तो सेव कर लिया। इसके बाद एज इट इज़ मैंने जो लास्ट वीडियो में दिखाया, मैंने घड़ी बैग जो है बच्चों के पार्टी फेवर्स उनकी जान, उनको भी मैंने इसी तरह से पैकिंग में डालकर और नेमिंग कर दी, वो भी डन हो गया काम मेरा। तो अब आ जाते हैं मेन्यू स्टार्टर्स की तरफ, जिसके लिए मैंने 3 चिकन ब्रेस्ट लिए हैं, और पहले एक चिकन ब्रेस्ट मैं यूज़ कर रही हूँ उसकी जूली कटिंग के लिए, और एक मैं बनाऊंगी क्यूब्स कटिंग, और एक क्यूब्स कटिंग को मैं एज इट इज़ रख लूँगी, अगर मुझे कोई चीज़ एक्स्ट्रा बनानी हो या फिर मुझे एक्स्ट्रा किसी चीज़ में डालना हो तो वो मेरे पास सेव रहे। अब जूली कटिंग वाला जो है मैं पास्ता में यूज़ करूँगी, और एक चिकन ब्रेस्ट जो क्यूब्स कटिंग वाला है वो मैं चिकन सैंडविचेस में यूज़ करूँगी, और एक चिकन ब्रेस्ट को मैं एज इट इज़ सेव कर लूँगी। मेन्यू में है कि अगर मुझे जो कुकिंग करनी है एक दिन पहले, उसका जो मैरिनेशन है वो मैं 2 दिन पहले करती हूँ, ताकि एक तो उसके अंदर टेस्ट अच्छा डेवलप हो जाए, और दूसरा ये कि इसकी जो मैरिनेशन है मैं जिप लॉक में इसलिए कर रही हूँ ताकि ये फ्रिज में भी जगह कम लेगा और मुझे इसको मैरिनेट करने में भी आसानी होगी। इसके लिए मैंने एक मैरिनेशन को चिकन तंदूरी मसाला, सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, पेपरिका पाउडर, लेमन डाल के कर दिया, और एक में मैंने और उसमें मैंने योगर्ट भी यूज़ की है, और एक वाले में मैं योगर्ट यूज़ नहीं करी, उसकी जगह मैं सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, बाकी वही स्पाइसेस हैं, और इन दोनों को मैंने इस तरह से जिप्लॉक में डाल के मैरिनेट कर लिया। अब जो लास्ट मेपर्स है इसको जिसमें एज इट इज़ रखना है, अगर मुझे कोई एक्स्ट्रा चीज़ बनानी होगी तो इसको मैंने जस्ट पानी में नमक और ब्लैक पेपर डाल के रख दिया है। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अरवी शाम के खाने में। अब आ जाते हैं मैरिनेशंस को 1 घंटा देने के बाद, मैंने अब इनको पैन में सौते करके अच्छे से डन करके इसको सेव कर लूँगी, ताकि जो नेक्स्ट डे मुझे जिस चीज़ में भी डालना हो तो मैं यूज़ कर सकूँ। ये होता है एक्स्ट्रा काम, अगर आप इसको पहले कर लें तो आपके बाद जो भी चीज़ आप प्रिपेयर करनी है जस्ट आपने इसको ऐड ऑन करना है, एंड दैट्स गुड टू गो। तो इस तरह से ये होगी जूली कटिंग वाली जो पास्ता में यूज़ होगी, और दूसरी वाली होगी चिकन सैंडविचेस की, और साथ से डेकोरेशन भी चल रही है, और रात में मैंने अपने केक स्पॉन्जेस भी डन करके फ्रीज कर दिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग, बहुत ही प्लेजेंट मॉर्निंग है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही प्यारा मौसम है, तो चलते हैं किचन बैक ऑन, और अब आ जाते हैं इसकी तरफ। ये मैंने स्पिनाच, फ्रोजन स्पिनाच निकाली है क्यूब्स की फॉर्म में, साथ में चिकन है बिरयानी के लिए, और एक चिकन है चिकन विंग्स ग्रिल करने के लिए, और अपने फ्रोजन जो मेरे पास स्पॉन्जेस थे उनको भी मैंने तीनों स्पॉन्जेस को निकाल लिया है। और अब आ जाते हैं यहाँ पर चिकन विंग्स की मैरिनेशन के लिए, जिसके लिए मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस, ग्रीन चिली पेस्ट, और साथ में रेड चिली फ्लेक्स, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, पेपर, जो भी इसके नॉर्मल मसालाज हैं वो डाल के, तंदूरी मसाला, मस्टर्ड पाउडर, और यह कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, जितना मुझे याद आ रहा है, इस सब चीज़ें मैंने डालकर इनको ऑयल डाल के मैरिनेट कर दिया, मिक्स कर अच्छे से इसको दबा दबा के मिक्स किया, और उसके बाद इसको मैंने जिप लॉक में निकाल कर तो फ्रिज में रख दिया। ये भी हो गया डन। और अब आ जाते हैं सैंडविचेस की मेकिंग के लिए, जो कि मैंने 1 दिन पहले ही बना ली है। सैंडविचेस को मैंने इस तरह से हाफ स्लाइसेस को मैं इसकी ऑलरेडी रेसिपी मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हैं क्लब सैंडविचेस के नाम से। इसको स्लाइसेस को मैंने साइड्स कटिंग करके इस तरह से ग्रिल कर लिया पैन में, ग्रिल पैन के अंदर, और उसको निकाल के मैं साइड पर रख लूँगी, और उसके बाद सारी प्रिपरेशन जो मेरे पास काउंटर है, चिकन टिक्का फिलिंग, चिकन जो मैंने उस दिन क्यूब्स में मैरिनेट किया था उसको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया। अब सबसे पहले मैं स्लाइस पर लगा रही हूँ केचप एंड मेयोनीज, और उसके बाद मैं लगा रही हूँ कोल्ड स्लाइस जो मेरा मार्केट से बाय किया हुआ है, और फिर सैलड कैप, सैलड लीव्स, एंड देन
चिकन फिलिंग और चीज़ स्लाइसेस, और उसके बाद मैंने कटिंग करके रख लिया। यहाँ जितने बिरयानी प्रिपरेशन में, बिरयानी के लिए मैंने प्याज को फ्राई किया है ऑयल में, अच्छे से कलर आने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर, और साबुत टमाटर लिए 2 से 3 मैंने, और जिंजर गार्लिक पेस्ट है, और ब्लैक पेपर, सॉल्ट, बिरयानी मसाला, ग्रीन चिली पेस्ट, और जब वो भुनाई हो जाएगी मसाले की तो मैंने चिकन डाल दिया है इसके अंदर, और चिकन डालने के बाद भी अच्छा खासा इसको भूनना है। एंड पे मैं डाल दूंगी इसमें आलू बुखारा, जिससे टेस्ट बहुत इन्हेंस बढ़ जाता है। और साइड प्रिपरेशन हो रही है मटन की, मटन के साथ मैंने सब सारे मसाले, प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और घर के नॉर्मल मसाले, नमक, रेड चिली पाउडर, हल्दी, कोरमा मसाला डालकर मैंने उसको भी चढ़ा दिया, उसके बाद उसको ऑयल से भून लिया। ये हो गया मटन। अब आ जाते हैं सबसे मेन जो शो स्टॉपर है हमारा बर्थडे का, वो है केक। केक के लिए मैंने लिए हैं क्रीम, और क्रीम को मैंने अच्छे से बीट करने के बाद वनीला एसेंस के साथ, इसमें मैंने कोई शुगर ऐड नहीं की, और जस्ट मैंने वाइट चॉकलेट को मेल्ट करके इसके अंदर ऐड किया है। और अब आ जाते हैं इधर केक की, मैंने इसकी स्लाइस करके इसको इस तरह से हाफ में डिवाइड कर लिया, केक कट कर लिया, और उसके बाद अब मैं इसकी करूँगी फ्रॉस्टिंग। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ स्ट्रॉबेरी केक, तो इसके लिए मैंने स्ट्रॉबेरीज को कट करके साइड पे रख लिया है, और अब मैं इसकी लेयरिंग स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले लेंगे केक, और उसके ऊपर लगाएंगे ये सिरप, मैंने यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ पाइनएप्पल सिरप, और उसके बाद इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। क्रीम करेंगे, लेयर लगाएंगे क्रीम की, उसके बाद स्ट्रॉबेरीज, और उसके बाद फिर लेयर क्रीम की, एंड देन केक। इस तरह से मैंने स्टैकिंग करती जाऊंगी। मेरे पास 5 to 6 लेयर स्टैकिंग करके मेरे पास केक डन हो जाएगा। और इसकी हमने कर लेनी है क्रम कोट। क्रम कोट क्या होता है, एक रफ लेयर होती है क्रीम की, और उसके बाद आपको इसको फ्रिज में सेट होने रखना है 5 से 10 मिनट या आधा घंटा, उसके बाद निकाल के इसको दोबारा से रीफ्रॉस्ट करना है अपनी कोई भी अच्छी कलर आइसिंग के साथ। तो आई होप, मैं आज तेज बोलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ रहा है, क्योंकि वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी है, और इसके हिसाब से मुझे काफ़ी आज बोलना पड़ेगा। तो इस तरह से मैंने इसको क्रम कोट कर लिया, और अब इसको फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। बीच में चल रही है मिड टर्म्स ईटिंग, क्योंकि ज़्यादा से एनर्जी चाहिए हमें, तो पिज़्ज़ा और चिकन नगेट्स किए हैं मैंने। अब आ जाते हैं इसकी आउटर कोटिंग, आउटर फ्रॉस्टिंग के लिए, जिसके लिए मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च, पाउडर शुगर एंड वनीला शुगर। इसके साथ मैंने क्रीम के साथ इसको पैन में डाल के इस तरह से हीट अप किया, और जैसे थिक हो गया निकाल के ठंडा किया। अलग से मैं क्रीम बीट करूंगी, इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, और जब वो क्रीम थिक हो जाएगी तो मैं वही वाली पेस्ट जो मैंने बनाई थी कॉर्न स्टार्च की, वो इसमें डाल दूंगी। ये बेस्ट एंड बेस्ट क्रीम है, जो कि शायद कोई आपसे इसका सीक्रेट शेयर करे, क्योंकि ये डेफिनेटली शेफ्स और बेकर्स ही यूज़ करते हैं अपनी बेकिंग। तो अब मैं इसके पार्ट्स निकालती जाऊंगी, और उसमें कलर ऐड करके अपनी मर्जी से, क्योंकि मुझे यहाँ पे पर्पल थीम और फ्लावर्स थीम के हिसाब से कलर देना है अब केक को, लाइक स्प्रिंग कलर्स एंड स्प्रिंग फ्लावर्स के साथ। तो फिर मैंने इसको इस तरह से, पहले क्योंकि हिबा का ड्रेस पर्पल था, तो मैंने उस हिसाब से इसको पर्पल के हिसाब से ही डेकोर भी की, और पर्पल ही केक को भी कलर दिया। तो इसका जो मेन है बेस जो है, मैं इसको दे रही हूँ लाइट पर्पल, लाइट वॉयलेट कलर, और इसके बाद अब इसको हम डार्क के साथ फ्लावर्स शेप देंगे। उसमें मैं ग्रीन एंड येलो को, ग्रीन लीव्स के साथ और येलो को, इसको बीच में छोटे छोटे फूलों के साथ कलर दूंगी, लाइक स्प्रिंग कलर्स। बहुत ही अच्छे लग रहे थे, और बहुत ही प्यारा केक बना माशाल्लाह से। तो इसके साथ साथ इसकी कंप्लीट फिनिशिंग चलती जाएगी, और आप ये देखते जाएं। अगर आप लोगों को ये केक की एक एग्जैक्ट रेसिपी विद इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, तो मैं इसका एक अलग से वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ एक कंप्लीट वीडियो केक की शेयर करूंगी। कुछ स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डेकोर करेंगे, और साथ ही अब आ जाते हैं इसके नेमिंग के लिए। तो इसके लिए मैंने फोंडेंट यूज़ की है येलो कलर में, और इसको नेमिंग अल्फाबेट्स के साथ मैं हिबा नेम कट डाउन करूंगी, और उसके बाद उसको सेट कर देंगे केक के आगे। इसकी फिनिशिंग, खूबसूरत फिनिशिंग के लिए मैंने यहाँ पे बटरफ्लाईज इसके साथ डेकोर किया है, ताकि एक अच्छी सी प्लेजेंट स्प्रिंग फीलिंग आए। और साथ ही मैं यहाँ पर इसके साथ कुछ डेकोर और भी इस करूंगी, और यहाँ पे मेरे पास गोल्डन डस्ट पाउडर है, इसके साथ फिनिशिंग करेंगे ताकि एक शिमर सी लुक आए। केक बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन ये कि ये दिल से आती है, और बहुत ही ज़्यादा एक आर्टिज़म काम है। जिसको क्रेज़ है या जिसको पसंद है, वही ये काम कर सकता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मोस्टली बच्चों का केक घर में ही बनाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह केक बहुत 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 प्रीटी लग रहा है माशाल्लाह, और खाने में भी उतना ही मज़े का था।
अब आ जाते हैं बर्थडे मॉर्निंग, बहुत ही प्यारी सुबह के साथ। अब करते हैं कुछ और चेंजेस घर में, ताकि एक फिनिशिंग आए, एक गेस्ट फीलिंग आए कि अब हमने स्मूथली अपनी पार्टी की तरफ रवा दवा है। तो इसके लिए अब फिनिशिंग वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनने वाले हैं, जो कि हैं गोलगप्पों की चना चाट, जिसके साथ मैंने ये आलू बॉईल किए, चने बॉईल किए, प्याज डाली और इसमें इमली का पल्प डाला, खट्टी मीठी इमली का पल्प, और साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया है चाट मसाला। अब आ जाते हैं पास्ता के लिए। पास्ता मैंने बॉईल कर लिया सारे स्पाइसेस डाल के, और इसके साथ मैंने इसमें बटर्स ऐड की हैं, गार्लिक बटर, हर्बल बटर्स, बहुत सारे बटर्स ऐड करने के बाद वाइट सॉस बनाकर उसमें डाल दी, एंड डेथ हो गया पास्ता डन, और सैलेड हो गया डन, और साथ में हो गई रायता। रायता के लिए मैंने पुदीना और हरी धनिया की चटनी बनाई, और योगर्ट में मैंने एक लोफ भी डाला है गार्लिक का। अब जाते हैं, मैंने स्क्यूअर्स के ऊपर सारे फ्रूट्स को इस तरह से सेट कर दिया है। ये फ्रूट स्क्यूअर्स ऑप्शन भी बहुत ही अच्छी है मेन्यू स्टार्टर्स के लिए, और इसको भी मैंने फटाफट से डन कर लिया। अब बनाने लगी हूँ मैं गोलगप्पों के लिए। इधर बन रहा है इमली का पानी, पुदीना, इमली और ब्लैक सॉल्ट के साथ। यहाँ पे मैं स्पिनाच यानी कि पालक की फिलिंग तैयार कर रही हूँ कॉटेज चीज़ के साथ। इसको मैंने पैन में सौते करने के बाद उसमें कॉटेज चीज़ ठंडा करके ऐड कर दिया। अब इसकी फिलिंग मैं इसके ऊपर पेस्ट्रीज के ऊपर से फैला दूंगी, और साइड से कट करके इसको रैपअप करके साइडों से ब्रेड्स बनाकर उसके ऊपर मैं अंडे की कोटिंग करूंगी, और उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी सेसमी सीड्स और कलौंजी। कलौंजी ऑप्शनल है, मेरा ख्याल है मैंने इसमें ऐड नहीं की, मैंने सिर्फ स्प्रिंकल्स किए थे सेसमी सीड्स को। इसको बाद में बेक करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं हिबा का ड्रेस, जो कि है योना माइकल फेमस किड्स अमेरिकन ब्रांड, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जो हिबा ने पहना। और यहाँ पर मेरा ड्रेस भी है, ये भी अमेरिकन मेसीज का है, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पर मैं हो गई रेडी, फिनिशिंग चल रही है, टचअप चल रहे हैं, क्योंकि टाइम ही रेडी होना बहुत ज़रूरी है। होस्ट अगर टाइम से रेडी होगा तो ही गेस्ट्स को रिसीव करेगा, तो इसके लिए मुझे टाइम से रेडी होना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने जल्दी से फिनिशिंग करके किचन से और अपना हेयर स्टाइल रेडी किया, और इतना ऐसा किया जो इजीली मैं उसको कैरी कर सकूं। और यहाँ पर इनकी साइकिल्स भी आ चुकी हैं, और यहाँ पे हिबा भी रेडी हो चुकी है। माशाल्लाह शी इज़ लुकिंग सो अडोरेबल, बहुत बहुत प्यारी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने बताना है कि कैसा लगा आपको हिबा का ड्रेस और मेरा ड्रेस, और इब्राहिम भी बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। यहाँ पर जल्दी से मैं आपको दिखाती हूँ गेस्ट आने से पहले एक डेकोरेशन का क्लिप, और मेन्यू रखने से पहले टेबल सेटिंग। तो ये है हमारे आउटफिट की कंप्लीट लुक, और मैंने और हिबा ने सेम सेम पहना है आज, और हमारा हेयर स्टाइल भी सेम है। चलें, अब आ चुके हैं गेस्ट, और अब चल रही है हमारी फाइनल फिनिशिंग फॉर कुकिंग। तो इसके लिए चिकन विंग्स जो हैं ओवन में बेक होने चले गए हैं, इधर राइस के लिए, बिरयानी के लिए राइस जो हैं वो भी चले गए हैं बॉईल होने के लिए, और इसकी लेयरिंग करके मैंने इसको दम लगा दिया ताकि ये भी डन होता रहे। राइस दम होने के साथ साथ मैंने नीचे ओवन में पेस्ट्रीज को भी रख दिया है, और यहाँ पर है फ्रोजन फिश, और बच्चे जो हैं पार्टी वेयर्स हिबा के साथ, हिबा की फ्रेंड्स और हिबा के कजन्स आ चुके हैं, दे वर हैविंग सो फन। अब आ जाते हैं केक की तरफ, जो फिनिशिंग केक की बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। ज़रूर बताएं केक कैसा लगा आपको, मेन्यू कैसा लगा, ड्रेसेस कैसे लगे, सब आपने बताना है मुझे, बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ के, दिल खुश हो जाता है। और इतनी मेहनत के बाद ये वीडियो आपके सामने आई है, सो इतना तो बनता है। सब बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह, और इन्हीं से तो रौनक है बर्थडे की। अब आ जाते हैं मोस्ट वेटेड फूड ऑफ दिस इवनिंग, जो कि सबसे पहले स्टार्टर्स में मैंने गोलगप्पे, इधर यहाँ पर पेस्ट्रीज, फिश, सैलड, रायता इस एक साइड भी अरेंज किया, और स्टार्टर ही यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे है पास्ता, चिकन पास्ता, और साथ में क्लब सैंडविचेस, और इनको मैंने इसे थोड़ा सा हाइट में अरेंज किया था। और यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे भी मैंने सेकंड सर्विंग में फ़िश एंड पैट्रीज, और साथ में स्टिक्स रखी हैं फ्रूट्स की, और चिकन विंग्स एंड बिरयानी एंड कोरमा, और साथ में मज़ेदार से गरम गरम ब्रेड नान। और ये रही हमारी फाइनल, फुल एंड फाइनल लुक ऑफ दिस बर्थडे पार्टी मेन्यू। यहाँ पर जो गोलगप्पों को इस तरह से स्टैंड पे खाने का मज़ा है ना, वो कहीं नहीं मिलता।
हर चीज़ होममेड थी, सब कुछ बहुत बहुत मज़े का बना था माशाल्लाह से। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने बनाई चाय और हमने की इंजॉय, एक कप चाय गरम गरम, आए हाय मज़ा ही आ गया हर चीज़ का। उसके बाद चाय ना हो तो फिर बात ही नहीं बनती। और साथ में अब हो रही है फाइनली केक कटिंग, और इसके बाद हम यहाँ पे केक इंजॉय करेंगे चाय के साथ। आपको मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ केक की अंदर से लुक कैसी लगती है जब वो कटिंग के बाद। सॉफ्ट एंड मॉइस्ट और बहुत ही मज़ेदार केक लग रहा है ना, मज़े का, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर मैं सबको केक सर्व कर रही हूँ और साथ में मेरी फ्रेंड चाय सर्व कर रही है, और इस तरह से हमने बर्थडे पार्टी का होने वाला है आहिस्ता आहिस्ता एंड। तो ये जो क्लिप्स जितने भी मैं ऐड्स कर सकी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ चाय का कलर कितना अच्छा आ रहा है, और इसके बाद हम इंजॉय करेंगे अपना मीठा। यहाँ पे केक ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, सब अपनी अपनी प्लेट्स लेते जा रहे हैं और माशाल्लाह से केक का तो पता ही नहीं चला। अब आ जाते हैं उस फाइनल सरप्राइज़ की तरफ। बच्चे बहुत खुश हुए अपना सरप्राइज़ देख के, और यहाँ पर गुडी बैग्स अपने सब बच्चे अपने नेमिंग गुडी बैग्स के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते, थोड़ा सा टाइम भी लगता सब्सक्राइब करने में, प्लीज़ मैं चाहूँगा सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस अच्छी क्लीनिंग के साथ अपना रखें ख्याल, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।